फतेही का जादू फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी दुनिया के सर चढ़कर बोल रहा है। नोरा ने बहुत ही कम समय में अपने ज़बरदस्त डांस से लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। नोरा से जुड़ा कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दिनों नोरा अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। हालांकि इस बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी नोरा का एक सपना अधूरा रह गया, जिसे वो अब पूरा करना चाहती हैं। दरअसल हाल ही में नोरा एक डांस रियलिटी शो में बतौर गेस्ट पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश के बारे में बात की। नोरा ने शो में अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बताया कि वो संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करना चाहती हैं, ये उनका सपना है। आपको बता दें कि शो की जज माधुरी दीक्षित ने नोरा से गुजारिश करते हुए कहा, अगर एक दिन आता है जहां संजय लीला भंसाली सर एक हीरोइन ढूंढ रहे हों, सो प्लीज टेल मी अबाउट हिम, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। नोरा ने सरेआम बात स्वीकार करते हुए कहा कि वो सिर्फ डांस तक सीमित होकर नहीं रहना चाहती है, बल्कि उनकी इच्छा एक हीरोइन बनने की भी है। आपको बता दें कि नोरा ने ये भी बताया कि वो माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन है और जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने डांस सीखा है। नोरा ने कहा कि वो माधुरी दीक्षित की फिल्म देवदास को कम से कम 1 बिलियन बार देख चुकी हैं। उनको ये फिल्म काफी पसंद आई है। स्पेशल न्यूज डेस्क, नवदीप टुडे, दिल्ली।